मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री सीकर, सीएलसी सीकर। आज अपन आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जो डी ब्लॉक में पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि MnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर्म के टू MnO4 एज पर द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन गो टू कम्प्लीट बाई रिमूविंग OH- आयन बाई एडिंग। इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए OH- आयनों को हटाने के लिए किसको डाला जाता है? इसमें अपने वैसे NCERT से क्वेश्चन है, ये NCERT से दिया गया है। इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे OH- आयन को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ये सीधा सीधा अपने को याद रखना है, CO2 का यूज़ किया जाता है इसमें OH- को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सा लैंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें अपन देखेंगे कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि YB की बात करें, YB+2, इसमें 14 हो जाता है, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसलिए आंसर अपना हो जाएगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यौगिकों का युग्म जो एक साथ विद्यमान रह सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन ये देखेंगे कि कभी भी प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक एक साथ नहीं रह सकते। तो इसमें Fe+3 में ये +2 में ये ऑक्सीकारक हो गया, ये अपचायक हो गया, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इसमें देखें, इसमें ये +2 में है और ये भी +2 में, दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? अपचायक की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसलिए दोनों साथ रह सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने को ये देखना है कि कभी भी एक अच्छा ऑक्सीकारक, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट साथ साथ नहीं रहेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बातें करते हैं। जलीय KMnO4 की अभिक्रिया अम्लीय परिस्थिति में H2O2 से करवाने पर देता है। इसमें बात करें अपन कि अम्लीय पर, जब भी KMnO4 के लिए अम्लीय की बातें करेंगे तो अपन Mn+2 में चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? Mn+2 में चेंज होगा। H2O2 से रिएक्शन कराएंगे तो Mn+2 और O2 अपने को मिलेगा, इसलिए अपन क्या बात करते हैं, KMnO4 की रिएक्शन अगर H2O2 से करवाते हैं तो यहां पर ये +7 में ये किसमें चेंज हो जाएगा? Mn+2 में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी? O2 बन जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर आ जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 2.83 है? चुंबकीय आघूर्ण μm कितना आ रहा है? 2.83 आ रहा है। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इन आयनों में अपन चेक करेंगे किसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम +3 में देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 1 आएगा। एंड निकल +2 में देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्रोमियम +3 में देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। Mn+2 में देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। तो अपने को क्या देखना था? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? निकल +2 में है, तो आंसर अपना सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। K2Cr2O7 के जलीय विलयन H2S के साथ अभिक्रिया परिस्थिति में क्रिया करके इस हरा उत्पाद जब भी बात करता है, अपने दिमाग में सीधा सीधा क्या आना चाहिए? क्रोमियम प्लस थ्री है, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? हरे कलर का होता है। क्रोमियम+3 इनमें देखें, यहाँ पर किस में है? क्रोमियम+3 अपने को कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, तो अपने पास उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, तो आंसर अपना फर्स्ट आ जाएगा। K2Cr2O7 की रिएक्शन किससे? H2S से कराएं, किसमें? अम्लीय माध्यम में, तो अपने को क्या मिल जाता है? हरे कलर का C2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है, जो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा यौगिक रंगीन नहीं है, मतलब रंगहीन है? वही इसी में वही देखना है अपने को, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल दिखाई दे सकता है अपने को, अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपन चेक करेंगे। इसमें +3 आया, इसमें +4 आया, इसमें +6 आया, इसमें +7। ये आवेश स्थानांतरण के कारण कलरफुल होते हैं, जबकि ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। तो कलरलेस अपना कौन सा आ जाएगा?
रंगीन नहीं है, मतलब टाइटेनियम TiCl4 रंग ही नजर आएगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो पहले तो आपके साथ में डिस्कस हो चुका है, इसलिए इसके बारे में बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण 2.84 किस में होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वैसा का वैसा आया हुआ है। अपन देखते हैं वही 2.84 म्यू का मान है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोबाल्ट प्लस टू के लिए देखें, कोबाल्ट प्लस टू में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास 3 आएगी, निकल प्लस टू में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम प्लस 3 में 1 और क्रोमियम प्लस 2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में आए, सेकंड में आए, तो आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंथेनाइड के संकुचन के कारण निम्न में से कौन से तत्वों के युग्म की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। ये अपन देखते हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम, यहां साइज इंक्रीज होती है, इनकी साइज अपने को ऑलमोस्ट सेम मिलती है, किसके कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण। तो अपने का आंसर आ जाएगा फोर्थ, जर्कोनियम एंड हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है, किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन में से पास किया जाता है। अभी अभी अपन ने बताया SO2 की रिएक्शन K2Cr2O7 की रिएक्शन किसे, SO2 से मैं कराऊंगा, तो मेरे को ग्रीन कलर का Cr2SO4 का होल थ्राइस मिलता है, इसलिए आंसर आ जाएगा अपने पास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EUGD and TB, ये क्वेश्चन अपन पीरियोडिक टेबल में पहले देख चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ हुआ है। इसमें देखते हैं कि EU के लिए एटॉमिक नंबर 63 है, इसमें D7 कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 4F7 हाफ फिल्ड हो जाता है, और D वाला इलेक्ट्रॉन किसमें मूव हो जाता है, 4F में आ जाता है, इसलिए D4F7 प्राप्त होता है। फिर इसमें 64 में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन वापस किसमें चला जाता है, डी में चला जाता है, तो 5D1 बन जाता है, और अब नया एक इलेक्ट्रॉन और आगे आता है वो किसमें जाता है, 4F में ही जाता है। इसमें क्या होता है, डी वाला इलेक्ट्रॉन वापस किसमें आता है, एफ में आता है, इसलिए कभी भी 4F8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अपने को नहीं मिलता, इसलिए अपना आंसर कौन सा बैठ रहा है, इसमें फोर्थ आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा लैंथेनॉन के संदर्भ में गलत है। कह रहे PR से LU तक आयनिक त्रिज्या के घटने के साथ साथ क्षारकता घटती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जैसे अपन आगे बढ़ते हैं PR से LU की ओर जाते हैं, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, साइज हल्की हल्की डिक्रीज होती जाती है, जिसके कारण साइज अगर डिक्रीज होगी तो क्षारकता क्या होगी, घटेगी और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहे सभी लैंथेनॉन एल्युमिनियम की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, नहीं, लैंथेनॉन के कंपेयर में एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा आ गया, रॉन्ग आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कह रहे एक्टिनाइड्स में ऑक्सीजन अवस्था का परास अधिक होने का कारण है। कह रहे एक्टिनाइड्स में ऑक्सीजन अवस्थाएं अधिक पाई जाती हैं, किसके कंपेयर में, लैंथेनाइड के कंपेयर में। जब भी इन ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्थाओं की बातें आती है तो ऊर्जा अंतराल के बारे में बात करेंगे, तो अपन देखते हैं किसके कारण लैंथेन एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, 5F, 6D and 7S, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये ज़्यादा क्या करते हैं, अपने को अधिक ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाते हैं, किसकी तुलना में, लैंथेनाइड्स की तुलना में, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अपन। HgCl2 एंड I2 दोनों को I- आयन जलीय युक्त जलीय में घोलने पर बनने वाली स्पीसीज युग्म है। HgCl2 की रिएक्शन कराते हैं किसे, I2 से कराते हैं, तो I2 है, I- पड़ा है, ये I2 से रिएक्शन करके I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I3- बना लेता है, जिसकी शेप कैसी होती है, लीनियर आती है। तो एक तो अपने को क्या मिलेगा, I3- मिलेगा, और दूसरा ये I2 इससे और इनसे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HgI4- 2 बन जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन DD संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकीय भी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो अपने को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना होता है, क्या देखना होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें DD संक्रमण की जब बातें कर रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करना है अपने को, कि इसमें अपन देखते हैं कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, इसमें देखते हैं कितनी आ रही है, +6 आ रही है,
इसमें देखते हैं कितनी आ रही है, प्लस सिक्स आ रही है, इसमें देखते हैं कितनी आ रही है, प्लस सिक्स आ रही है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ा है, इसलिए वो क्या दिखाएगा, डीडी संक्रमण दिखाएगा और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी, इसलिए आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम फर्स्ट में दिए गए धातु आयनों का कॉलम सेकंड में दिए गए आयनों के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से मिलाइए तथा सही संकेत को निर्दिष्ट कीजिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसे म्यू एम काउंट कर लेंगे, कोबाल्ट प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी अपने पास चार, क्रोमियम प्लस थ्री अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी अपने पास तीन, एफई प्लस थ्री अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी अपने पास पाँच, निकिल प्लस टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी अपने पास दो। इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन एन एन प्लस टू, ये एन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन देखेंगे चार के अगर वैल्यू रखते हैं तो किसमें मिलेगा ये अंडर रूट 24, अगर तीन वैल्यू रखते हैं तो अपने को मिलेगा अंडर रूट 15, अगर पांच वैल्यू रखते हैं तो अपने को मिलेगा अंडर रूट 35, अगर दो वैल्यू रखते हैं तो अपने को मिलेगा अंडर रूट 8। ऐसा ऑप्शन कहाँ बन रहा है, ऐसा ऑप्शन अपने को फोर्थ में मिल रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, खैर मैग्नेट तथा पर मैग्नेट आयन जिस कारण से चतुष्फलकीय हैं वह है। अब इसमें चतुष्फलकीय की बात कर रहा है, मतलब अपने को क्या देखना है, sp3 हाइब्रिडेशन देखना है, क्या देखना है, sp3 देखना है। इसमें पाई बंद के लिए जब भी बात करता है, मैंने अपन बात करें पाई बंद के लिए जब भी बात करेगा, पाई बंद में जो mn का अपने पास क्या आएगा d आएगा और ऑक्सीजन का क्या आएगा p आएगा, तो बॉन्ड बनेगा पी पाई डी पाई से बनेगा। चेक करते हैं, द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ओवरलैपिंग टू पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, नो रॉन्ग है, द पाई और बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पी ब्लॉक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। निम्न में से किसकी ग्रेफाइट के समान संरचना है, अकार्बनिक ग्रेफाइट किसे बोलते हैं, BnX को बोलते हैं अकार्बनिक ग्रेफाइट, जबकि तो आंसर अपना आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा अंतरकाशीय यौगिकों के लिए सही नहीं है। अंतरकाशीय यौगिक कैसे होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहते हैं वहां पर छोटे एलिमेंट्स पड़े रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अंतरकाशीय एलिमेंट्स, अंतरकाशीय यौगिक बोलते हैं। दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, बिल्कुल सही बात है, इनके अंदर स्पेस में स्मॉल एलिमेंट्स भर जाने का इसकी प्योर मेटल के कंपेयर में काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, बिल्कुल सही बात है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाते हैं। दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, इनकी धातु चालकता बनी रहती है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, इनकी धातु चालकता बिल्कुल बनी रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, ये बिल्कुल, तो आंसर इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अधिक अणुभार वाले सिलिकॉन बहुलक के लिए निम्न में से कौन सा एकलक नहीं है, मोनोमर नहीं हो सकता। अब इनमें देखते हैं, इसमें एक ही सीएल है, आगे कंडेंसेशन नहीं होगा, इसमें तीन है, हाइड्रोलाइसिस करा के कंडेंसेशन करवा सकते हैं, इसमें भी तीन है, इसमें भी दो है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइमर फॉर्मेशन करेगा, इसलिए ये बहुलक का निर्माण नहीं करेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई है, सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई अपन देखते हैं, सिलिकेट SiO4-4 होता है, इसलिए SiO4-4 फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय विलयन में डायप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है, एक वर्ग में H2O, H2S, H2SE, H2T, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति, हाइड्रा एसिड के लिए अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इनमें अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम क्या आएगा, H2TE ज़्यादा अम्लीय होगा किसके तुलना में, H2SE, फिर H2S एंड फिर H2O, तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय आ जाएगा अपने पास H2TE, फिर H2SE एंड फिर आ जाएगा H2S, तो अपना आंसर आ जाएगा
फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या निम्न में से असत्य कथन है, SiO4-4 इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट में SiO4- मूल संरचना में एक एक इकाई एक एक नहीं है, बिल्कुल ये गलत रॉन्ग हो गया, असत्य पूछा है। ये मूलभूत इकाई कौन सी होती है सिलिकेट की, SiO4-4 ही होता है, तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग। अगला भी चेक कर लेते हैं, SiCl6-2। मैंने कल पहले अपने टॉपिक में बात कर चुके हैं कि कभी भी थर्ड पीरियड वाले कभी भी 90 डिग्री पर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को नहीं रखते, सिर्फ एक PCl6-1 को छोड़कर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें अपना रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किससे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का ऑक्सीजन होता है, ये क्लोरोफ्लोरो बातें करते हैं उनकी, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट आंसर अपना आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुण सामान्य हैं, निम्न में से कौन सा गुण एक यौगिक दर्शाता है जबकि दूसरा नहीं दर्शाता। ऐसे क्वेश्चन ये यूज पर हैं, ये किस चीज पर है, यूज पर क्वेश्चन है। इसमें दोनों का इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक रेन करते हैं, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, इन सोल्यूबल इन वाटर, दोनों सोल्यूबल होते हैं, परंतु इन दोनों का यूज एक साथ फूड प्रिजर्वेशन में नहीं किया जाता, खाद्य परिरक्षण में नहीं किया जाता, तो इसमें अपना नेक्स्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H3PO2 के प्रबल अपचायक गुण का कारण है, अपचायक गुण की अगर बात करते हैं, अपचायक प्रवृत्ति इनमें फॉस्फोरस के एसिड में सबसे ज्यादा किसमें होगी, H3PO2 में होगी, फिर H3PO3 में होगी, क्यों, क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पीएच बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें पीएच बॉन्ड पाया जाएगा उनकी नेचर कैसी होगी, अपचायक प्रवृत्ति होगी। देखते हैं इसमें ऑप्शन, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉस्फोरस नो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस नो, प्रेजेंस ऑफ 2OH ग्रुप एंड 1PH बॉन्ड। इसमें इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, पी डबल बॉन्ड ओ एच एच ओ एच, इसमें 2PH बॉन्ड है तो 2PH बॉन्ड है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, +1 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व एल्युमिनियम गैलियम इंडियम तथा थैलियम में अनुक्रम में बढ़ता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो +1 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, तो अपन देखते हैं इसमें +1 और +3 दोनों हो सकती हैं, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, +1 होता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इसमें +1 और +3 देखें तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, +3, तो इनमें अपन इसमें ऑप्शन में देखें तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, TL में सबसे ज़्यादा, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्युमिनियम, अपने पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक में परिवर्तन का निम्न क्रम है, HF, HBr, HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड के उच्चतम क्वथनांक की व्याख्या की जाती है। जब भी अपने पास H2O, HF, NH3 इनके क्वथनांक नॉर्मल अपने ग्रुप में थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसके कारण, इनका क्वथनांक ज़्यादा होने का मेन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF अणुओं में हाइड्रोजन बंध अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा अपना। HF अणुओं की आबंध ऊर्जा इसको डिपेंड करेगा, मेन चीज़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसके कारण अपने साथ वाले ग्रुप से इसमें क्वथनांक ज़्यादा मिलता है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट शेप, बिल्कुल सही बात है, ONF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O2N-, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों में सेम है, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, रॉन्ग, क्योंकि ऑक्साइड के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाई एन किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, तो अपना इसमें आंसर आ जाएगा थर्ड। ये बात अगली ऑप्शन क्या कह रहा है, Cl2O7 इज एन हाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, किसी का भी एन हाइड्राइड बनाना हो तो उसके हाइड्रोजन को इवन नंबर में कर वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देना चाहिए, ये परक्लोरिक एसिड होता है HClO4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, H2Cl2O8 बन जाएगा, इसमें से वाटर मोलिक्यूल निकाला तो क्या बन जाएगा अपने को, Cl2O7 प्राप्त हो जाएगा, तो अपना आंसर ये बिल्कुल ये सही है, आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, थर्ड आ जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
कह रहा है ऑक्साइड आयन O-2 का ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले ऊष्मा छेपी है, बाद में ऊष्मा शोषी पद नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए। गैसीय अवस्था में O-2 का बनना प्रतिकूल है, यद्यपि O-2 नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक है, यह कथन किस तथ्य के कारण है? कह रहा है O- आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा। रॉन्ग। नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। रॉन्ग है, इसका कोई इससे रिश्ता नहीं है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से आयन का आकार बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है, पर इस रीजन ये नहीं हो सकता। नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। नोबल गैस भी मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपेयर में? नोबल गैस विन्यास के कारण। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाभिक स्नेह के लिए सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफिलिक, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, वो नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, बिल्कुल सही बात है। खुद न्यूक्लियोफिलिक खुद के पास क्या नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है, ये लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पर करता है अटैक। न्यूक्लियोफिल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, नाभिक स्नेह इलेक्ट्रॉन की तलाश में नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में नहीं रहता, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। न्यूक्लियोफिलिक इज ए लेविस एसिड, नो। न्यूक्लियोफिलिक जितने भी होते हैं वो लेविस एसिड नहीं, नॉर्मली लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें। फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेट HNO3 इट प्रोड्यूस, कॉपर की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 से करवाने पर अपने को कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 मिलता है। क्या मिलता है? NO2। जब भी कंसंट्रेट HNO3 आएगा अपने को NO2 गैस मिलेगी ही मिलेगी, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा क्या कि NO2 कहाँ पर है अपने पास? NO2 इस ऑप्शन में है, CuNO3 का होल ट्वाइस और NO2, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिलान करना है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। जीनोन F6 के लिए बातें करें, जीनोन F6 के लिए हाइब्रिडेशन आता है, इसमें sp3d3 इसकी शेप आती है कैसे? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल किसमें है? फर्स्ट में है। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। शेप आएगी पिरामिडल, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, जीनोन OF4। इसमें हाइब्रिडेशन आया sp3d2, इसका ऑप्शन अपना बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। जीनोन F6 के लिए बात करें, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसमें भी हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3d2 हाइब्रिडेशन है, इसके लिए कौन सा बनेगा? ऐसा ऑप्शन में अपन देखते हैं A का फर्स्ट, B का थर्ड, C का फोर्थ एंड D का सेकंड, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 155 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या देख पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए सही नहीं है? फॉस्फिनिक एसिड इज ए मोनोप्रोटिक एसिड, वेल फॉस्फोनिक एसिड इज ए डायप्रोटिक एसिड। फॉस्फिनिक एंड फॉस्फोनिक के लिए बात करें, ये किसके फॉर्म नेम है? ये फॉस्फिनिक का फॉर्मूला होता है S3PO2, ये एक H प्लस देता है, जबकि फॉस्फोनिक एसिड होता है वो S3PO3 होता है, ये 2H+ देता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, फॉस्फिनिक एसिड अम्ल द्विप्रोटिक अम्ल है, जबकि फॉस्फोनिक एक प्रोटिक, फॉस्फोनिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो अपना सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही पूछा है इसने, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। CH4NH3H2O अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसने, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल, नो। नंबर, अगर सेम हाइब्रिडेशन है तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने पर नॉर्मली बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये कह रहा है H2O में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? CH4 के कंपेयर में। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हैलोजन पर अणुओं की आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही है? स्टेटमेंट बॉन्ड एनर्जी देखनी है अपने को, अपन देखते हैं F2, Cl2, Br2, I2। ओवरलैपिंग साइज के इनवर्स होती है, इसलिए ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी वैसे किसकी आनी चाहिए थी? F2 की आनी चाहिए थी, परंतु इसमें क्या होता है, एक फ्लोरीन के ऊपर लोन पे रिपल्शन के कारण इसकी बंद ऊर्जा घट जाती है, और कितनी घट जाती है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन से नीचे आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आएगी? Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। सबसे ज़्यादा Cl2, Br2, F2, I2, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है अपने को, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अम्लता का सही क्रम है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर इसमें +7 है, +5 है, +3 है और +1 है। एसिडिक नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, तो ऐसा किसमें मिल रहा है अपने को? फर्स्ट में मिल रहा है, अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द हाइब्रिडेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3 एंड NH4+। NO2 में हाइब्रिडेशन आता है sp, NO3 में है sp2, NH4 में है sp3 हाइब्रिडेशन है, ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा अपने को सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, तो अपना इसमें आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरो यौगिक सर्वाधिक रूप से लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है? लुईस क्षार की तरह देखने के लिए अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर देखेंगे। इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ये लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा PF3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आयनों का कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक एंड सम संरचनात्मक है? फर्स्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते क्योंकि एक में क्लोरीन है, दूसरे में कार्बन है, इनमें सेम नहीं हो सकते। इसमें देखते हैं, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, सेम नहीं हो सकते। इसमें देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, 17 N1 18, 16 N2 18, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? सेम हुए। स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों की, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, और दोनों की शेप कैसी है? दोनों की शेप पिरामिडल है। कैसी है? पिरामिडल है। परंतु इसमें भी देखते हैं अपन, इसमें देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी सेम मिल रहे हैं अपने को, कितने हो गए इसमें? 6 N2 8, 7 और 1 8, इसमें भी नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है। शेप देखते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है और इसमें भी sp2 हाइब्रिडेशन है, इन दोनों ऑप्शन में सेम मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएंगे, दो आंसर रहेंगे इसके थर्ड एंड फोर्थ, इसमें दो आंसर रहेंगे थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाती है? इसमें +6 में है, एक इसमें जा रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक होगा, उसका खुद का क्या होगा? अपचयन होगा, इसका खुद का अपचयन हो रहा है इसमें, जबकि इसमें देखते हैं, इसमें +6 में है, ये +4 में जा रहा है, इसका खुद का भी हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें +6 में है और यहाँ भी अभी +6 में ही है, तो यहाँ इसका खुद का अपचयन नहीं हो रहा, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड, जिसमें H2SO4 किसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बाकी तीनों रिएक्शन में यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर +4 में गया और ये +6 में थी, यहाँ भी ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनोन F4 के लिए सही ज्यामिति है, सही संकरण है। जीनोन F4, इसमें संकरण कौन सा हो गया? sp3d2। कंडीशन कौन सी बन रही है इसमें? इसमें 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर की कंडीशन बन रही है, तो इसकी शेप कैसी मिलेगी अपने को? स्क्वायर प्लेनर शेप मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर शेप मिलेगी, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट को अपने को देखना है। pi-dpi बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, बिल्कुल, इसमें 2 pi बॉन्ड होते हैं, एक pi से बना होता है और एक pi-dpi से बना होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। SeF4 एंड CH सेम शेप, नो, SeF4 में sp3 डीहाइब्रिडेशन है, इसकी शेप कैसी मिलती है अपने को? पाई शेप मिलती है, जबकि CH4 में sp3 हाइब्रिडेशन है, इसको अपने को टेट्राहेड्रल शेप मिलती है,
तो सेकंड स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीसीज में SS बंध उपस्थित है. इसमें देखें S4O6-2, इसमें इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन. कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड O, S, 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड O माइनस. इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है. S2O3 के लिए देखते हैं अपन. S, S, O, O माइनस, O माइनस. इसमें भी SS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा. बाकी सब में देखोगे आप कि इसमें कहीं सब में क्या मिलेगा अपने को, SOS बॉन्ड के आसपास ये मिलेगा, किसी में भी SS बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है अपने को. एक्स एक्स डैश ये कैसा मिलेगा अपने को? लीनियर मिलता है. एक्स एक्स थ्री डैश इसकी बात करें, ये अपने को टी शेप मिलेगा. एक्स एक्स फाइव डैश ये अपने को स्क्वायर प्लेनर मिलेगा. कैसा मिलेगा? स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा. एक्स एक्स सेवन डैश ये अपने को पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगा. इसको अपन मैच करवाएं तो फर्स्ट ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें है, इसमें भी है. बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ए के ऑप्शन में है, तो अपना इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. उस गैस का नाम बताइए जो अम्लीकृत KMnO4 के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है. यहाँ पर ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस सेवन कंडीशन में है, और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है. SO2 दोनों की तरह बिहेव करती है, पर KMnO4 के साथ ये किसकी तरह बिहेव करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी. ये इसके कलर को चेंज कर देगी, तो आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पीसीज जिसमें अबंध कोण 120 है, ऐसा देखने के लिए 120 बंद कौन किसमें आएगा? sp2 हाइब्रिडेशन में आएगा. इसमें हाइब्रिडेशन आ गया अपने पास कौन सा? sp3d. इसमें हाइब्रिडेशन आ गया अपने पास कौन सा? sp3. इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया अपने पास? sp2. सॉरी, तो अपना आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंक फॉर CO? ऐसी चीज को इस क्वेश्चन ये याद रखने लायक है. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? सिंक की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें अपना पहला आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अबंध में संयोजी कोष के NS2 इलेक्ट्रॉनों के भागीदारी की अक्षमता के कारण होता है. ये जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में बात करें अपन, टॉप टू बॉटम जाने पर प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, चलेगा प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व घटता है. किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण. इसके कारण क्या होता है? SN+2 अपचयित की तरह बिहेव करता है, जबकि PB+4 है जो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है. ऐसा किसमें है? SN+2 रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि PB+4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PB+4 किसमें चेंज होना चाहेगा? PB+4+2 में जाना चाहेगा, क्योंकि PB+2 ज्यादा स्टेबल दिखाता है. SN किस में जाना चाहेगा? SN+4 में जाना चाहेगा. इसलिए SN+2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और PB+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपने पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. हेलोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है किसके लिए? हेलोजन के लिए. ऑल बट फ्लोरिन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरिन के अलावा सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पर दर्शाते हैं. बिल्कुल सही बात है, फ्लोरिन कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता. फ्लोरीन हमेशा पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम EN किसकी होती है? फ्लोरीन की. इसलिए कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता. स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है. बिल्कुल सही बात है, पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं. ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड, सारे मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे फ्लोरीन नहीं कर पड़ता, इसलिए आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? नॉर्मली अपन देखते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कक्षों का आकार
नंबर ऑफ कोश सेल बढ़ने के कारण, कोश बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है, परंतु देखा जाए कि इनका आकार ऑलमोस्ट सेम होता है, इनका आकार ऑलमोस्ट सेम होता है। ये किसके कारण होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? लैंथिनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। पर अगर इनके वैसे देखा जाए, अगर पर्टिकुलर साइज देखी जाए, तो सबसे छोटी साइज अपने को किसकी मिलती है? बोरोन की। उसके बाद में हल्का सा गैलियम छोटा हो जाता है, किसके कंपेयर में? एल्युमिनियम के कंपेयर में। यहाँ पर कौन आएगा? एल्युमिनियम, फिर इंडियम और फिर टीएल। तो ऐसा ऑर्डर देखते हैं अपन किस ऑप्शन में है। सबसे बड़ी साइज टीएल की आएगी, फिर इंडियम की आएगी, फिर एल्युमिनियम की आएगी, फिर गैलियम की आएगी, फिर बोरोन की। तो अपना आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्राकृतिक एवं मानव क्रियाओं दोनों से निर्मित नाइट्रोजन गैस का कौन सा ऑक्साइड साधारण प्रदूषक नहीं है? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को याद रखने पड़ता है, याद ही रखना पड़ेगा। आप देखते हैं ये वैसे ही है, इसमें अपन के कौन से का साधारण प्रदूषक नहीं है, तो उसमें देखते हैं N2O5 कभी प्रदूषक के रूप में नॉर्मली बिहेव नहीं करता। वायुमंडल में प्राकृतिक एवं मानव क्रियाएं दोनों से निर्मित नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड साधारण प्रदूषक नहीं है? ये N2O5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज स्थाई नहीं है? अपन पहले बात कर चुके हैं कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को 90 डिग्री पर नहीं रखेंगे। तो इस में बात करें SiCl6-2 स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, इसके बीच में रिपल्शन इतना, स्टेरिक इंडेंस के कारण रिपल्शन इतना होता है कि ये स्ट्रक्चर नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeS2। अपन देख चुके हैं पहले कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। GE की बातें करें, जर्मेनियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, +2 एंड +4। यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन होती है? +4 ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए अपन देखते हैं GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। PbF4 इज कोवलेंट इन नेचर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। NCERT की लाइन उठा के दी गई हुई है, तो इसमें अपने PbF4 कोवलेंट नहीं, ये आयनिक नेचर में मिलता है। SiCl भी इजिली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आ जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनोन F4, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आ जाएगा? sp3d2। इसमें कौन सा आ जाएगा? sp3d3। इसमें कौन सा आ जाएगा? sp3d2। इसमें कौन सा आएगा? sp3। इसके बेस पर अपन शेप देखते हैं, इसकी कौन सी मिलेगी अपने को? स्क्वायर प्लेनर मिलेगी। इसकी कौन सी मिलेगी? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। इसकी कौन सी मिलेगी अपने को? स्क्वायर पिरामिडल मिलेगी। और इसकी शेप कैसी मिलेगी अपने को? पिरामिडल मिलेगी। ऐसा देखते हैं अपन, ए का सेकंड ऑप्शन दो में है, एंड बी का थर्ड ऑप्शन दो में है, सी का फोर्थ ऑप्शन एक में है। आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम मैच करना है इसको भी। प्योर नाइट्रोजन किससे? सोडियम एजाइड एंड बेरियम एजाइड को गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास फर्स्ट, हैबर प्रोसेस किसको बनाने का मेथड है? हैबर प्रोसेस अमोनिया को बनाने का मेथड है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का मेथड है। एंड डिकन प्रोसेस किसका है? क्लोरीन को बनाने का मेथड है। ऑप्शन मैच करते हैं अपन कि फर्स्ट का ए का फोर्थ ए के ऑप्शन में मिल रहा है, बी का चेक कर लेते हैं, बी का थर्ड मिल रहा है अपने को, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से PCl5 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। अक्षीय PCl बंध मध्यवर्ती PCl अबंधों की तुलना में लंबे होते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंट कहता है कि PCl5 में जो अक्षीय बंध होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, किसकी तुलना में? निरक्षीय बंधों की तुलना में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। PCl5 रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इसमें पहले अक्षीय बंध टूटते हैं क्योंकि उनकी बंध लंबाई ज़्यादा होती है और बंध ऊर्जा कम होती है। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर H2T, एक ग्रुप में हाइड्राइड के लिए देखें, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर
एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ सबसे अच्छा थर्मल स्टेबल H2O, फिर H2S, फिर H2SC, फिर H2T, फिर ये होता है H2O सबसे ज़्यादा, H2S, H2SC, H2T आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। ये अपने इनऑर्गेनिक के जो 2013 से 2019 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट अपन रिवाइज कर चुके हैं। अब इनऑर्गेनिक अपनी कंप्लीट होती है।